वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट की एक और न्यू तबाहीदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज मैं जा रहा था स्टेडियम और स्टेडियम जा ही रहा था, मुझे लगता है यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं आया। उसके बाद हमें दिखाई देते हैं ये दो दो नमूने, एक यहाँ पे सिविंगल के ऊपर उतर जाता है और एक नीचे कूद जाता है। उसी के बाद हम भी यहाँ पे उतर जाते हैं और फटाफट यहाँ पर लूट करते हैं और बजाते हैं दो बंदों को। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्टेडियम देख लेता हूँ, बट यार वो दो बंदे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। उसी के बाद मैं सोचता हूँ कि सीविंग कूल के अंदर गए होंगे दोनों के दोनों बंदे, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ग्रेनेड की पिन खींचता हूँ और डायरेक्टली इस बंदे को यहाँ पे कर देता हूँ। बट यार ये वाला ग्रेनेड उस बंदे को लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं होता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं डायरेक्टली रश करते हैं ऊपर और देखते हैं भाई वो दो बंदे कहाँ पे हैं। लग रहा नीचे यार, और यहाँ पे भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। उसी के बाद हमें पता चलता है कि नीचे हैं वो बंदे, क्योंकि वहां से एक बंदे का फुटप्रिंट तो आ रहा था और हम यहाँ पे नीचे रस करते हैं। चलो यार बजाते हैं इस बंदे को। ये रहा, एनिमी डाउन। और यहाँ पे इस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। भाई इस बंदे ने बहुत ज्यादा बगाया है, मतलब इधर से उधर और दिखाई नहीं दिया कहाँ पे। और इसका भी टीममेट अभी वाकई है, बट इसका टीममेट अभी मिलता नहीं है। और उसी के बाद मैं यहाँ पे हील करने के लिए पीछे जा ही रहा था, उसके बाद मेरे को कुछ सामने से फायरिंग के साउंड आते हैं, तो यहाँ से मैं हील करता हूँ एंड डायरेक्टली चला जाता हूँ बंदों पर रश करने के लिए। तो सामने एक बंदा बॉट को मार रहा था, उसी के बाद पीछे जाता हूँ, गन रिलोड करता हूँ एंड उसके बाद हमारे ऊपर एक बंदा रश कर रहा था और उसे मैं जल्दी से नॉक डालता हूँ एंड फटाफट यहाँ पे जाता हूँ गाड़ी के पास, क्योंकि सामने वाले बंदे के पास रश करना था। तो यहाँ से मैं जल्दी से बग्गी उठाता हूँ, बग्गी उठाने के बाद जाता हूँ अपने टीममेट के पास और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी पे बिठाता हूँ। और गाड़ी पे बिठाने के बाद उसके बाद जो सामने की साइड जो फाइट हो रही थी, जो बंदे हमारे ऊपर फायर कर रहे थे, तो उनके पास अब रश करते हैं और बजाते हैं उन बंदों को। तो लेट्स गो। एनिमी डाउन। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट यार ये जो किला यार मेरा टीममेट चुरा लेता है गाड़ी चढ़ा के, और उसी के बाद मैं इसकी पेटी लूट ही रहा था। तो उसके बाद मेरे को आते हैं सामने की साइड से फायरिंग के साउंड, तो वहाँ पे एक बंदा होता है जो एक बॉट को मार रहा होता है। तो चलो यार इसको बजाते हैं पहले। और यहाँ पे ये भाई सब काफी ज्यादा डैमेज थे, तो ये मेरी एक दो गोली में यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं डायरेक्टली। और उसी के बाद मैं यहाँ से बग्गी उठाता हूँ, बग्गी उठा के यहाँ से जाते हैं हम लोग ड्रॉप के पास। और एयर ड्रॉप के बाद जैसे हम लोग जाते हैं वहां पे होता है पूरे के पूरे दो बंदे जो ड्रॉप लूट रहे थे। तो चलो यार सबसे पहले इन्हें बजाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हो जाता है 1v2 और यहाँ पे जल्दी से हम लोग पेटी पेटी लूटते हैं। और मेरी एचपी यहाँ पे काफी ज्यादा कम थी, तो मैं यहाँ पे जल्दी से हील करता हूँ। और हील जैसे मैं कर ही रहता हूँ उसी के बाद फिर से होती है दो बग्गी वाले बंदों की एंट्री, तो इन्हें बजाते हैं सबसे पहले। दूसरा नाम बग्गी, एक और एनिमी डाउन। और यहाँ पे ये जैसे एंट्री करते हैं इनकी एंट्री से डायरेक्टली हो जाती है लॉबी के अंदर एंट्री, क्योंकि यार एक बंदा तो मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ और दूसरा बंदा हमारा टीममेट मार देता है। तो इसी के साथ यहाँ पर भी हो जाता है 1v2, बट यार एक एक किल हम दोनों को मिल जाता है। उसके बाद हम जल्दी से इसकी पेटी लूटते हैं और उसके बाद मेरा टीममेट बोलता है जल्दी से बग्गी में बैठो और चलते हैं और बंदे के ऊपर रस करने के लिए। तो चलो करते हैं रस फिर। एक है, गिरा दिया। तो यहाँ पे हम लोग बग्गी लेके जा रहे थे, उसके बाद हमें मिलते हैं बॉट भैया, तो जल्दी से बॉट भैया को बजा लेते हैं, क्योंकि भाई केडी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम लोग बॉट को बजाते हैं उसी के बाद इन भाई साहब की एंट्री होती है, और जैसे ये भाई साहब एंट्री करते हैं उसी के साथ यहाँ से हो जाते हैं छू मंतर, दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे की साइड और ये भाई साहब पानी में गाड़ी लगा देते हैं। भाई ये बंदा अलग ही लेवल में होता है, तो सबसे पहले इससे बजाते हैं।
और जैसे इस बंदे को हम लोग बजाते हैं उसी के बाद इसके भाई साहब भी रश कर देते हैं हमारे ऊपर। यहाँ पे दोनों भाई एक एक करके एंट्री करते हैं और एक एक करके इन्हें लॉबी पहुंचा देते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे भी हो जाता है 1v2। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी पेटी वेटी लूटते हैं और डायरेक्ट बैठते हैं बग्गी के ऊपर और यहाँ से निकल जाते हैं बंदूक ऊपर रस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जा रहा था ईयर ड्रॉप के पास और वहाँ पे होता है एक बंदा, तो सबसे पहले इससे बजाते हैं। और यहाँ पे इस भाई साहब की पेटी बना देते हैं, उसी के बाद हम यहाँ पे एयर ड्रॉप लूटते हैं, सस्ते शायद AWM मिल जाएगी। उसी के बाद हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ मिलती है मेरे को RPG। तो मैं यहाँ पे RPG बिल्कुल भी नहीं उठाता क्योंकि मैं चलाता ही नहीं RPG। और उसी के बाद मैं यहाँ पे जा ही रहा था, उसके बाद हमें आता है पीछे से कुछ फायरिंग के साउंड और मैं समझ जाता हूँ भाई अपार्टमेंट के अंदर बंदा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाड़ी उठाता हूँ, डायरेक्ट रश कर देता हूँ उस बंदे के ऊपर। एक ही बंदा तो जैसे हम लोग अपार्टमेंट आते हैं, अपार्टमेंट में कोई भी हमें बंदा दिखाई नहीं देता है। उसी के बाद हमें नीचे से कुछ फुटप्रिंट की आवाज आती है और मैं यहाँ पे समझ जाता हूँ कि नीचे ही है बंदा। तो चलो यार चलते हैं इस बंदे को बजाने के लिए। और इसी के साथ इस बंदे की पेटी बनाने के बाद यहाँ पे हो जाता है हमारा विनर विनर चिकन डिनर। तो आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक मारो और गाइस अगर आपको चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी टाइप की इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी गेम प्ले वीडियो के अंदर आने के लिए। तो आज की गेम प्ले वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपको एक और न्यू तबाहीदार गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।